टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो हम लर्निंग की थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन साइंटिस्ट किस किस साइंटिस्ट ने थ्योरीज दिया और उन्हें किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट क्या थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी वो किसके अकॉर्डिंग है, एडवर्ड ली थॉर्नटन के अकॉर्डिंग है। कि कब स्टार्ट किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, 1874 पे स्टार्ट किया और 1949 पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, कंप्लीट किया। सेकंड टाइप थ्योरी था क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जो किसने किया था, इवान पावलोव ने किया था। तो ये कब किया था, 1849 से स्टार्ट किया था और 1936 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। थर्ड वन है आपका क्या है, ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी, या हम इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग है। ये कब स्टार्ट की, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1904 में स्टार्ट किया था, 1990 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या कर दिया था, कंप्लीट किया था। और फोर्थ वन है क्या, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये किसने किया था आपका, वॉल्फगैंग कॉलर ने की थी। कब स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट, 1887 में किया था और 1967 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी ने में क्या किया था, इन्होंने किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक कैट पर इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने बताया कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ पर गलतियाँ करते हैं और हम कुछ नया सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, तो एक कैट थी, कैट क्या थी, बहुत ज़्यादा हंगरी थी, उसको क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। देन उसको बंद करने के बाद क्या किया, उसके फ्रंट सामने क्या कर दिया, बॉक्स के बाहर क्या रख दिया, एक फिश रख दिया। वो भी क्या थी, बहुत हंगरी थी, इसलिए क्या वो फिश को देखते क्या लगी, वो स्टिमुलेट होने लगी और वो कहीं ना कहीं उसमें क्या करने लगी, एक रैंडम मूवमेंट। तो जो बॉक्स था उसमें क्या थे, एक लीवर था, जो कहीं ना कहीं जो लीवर पे अगर कहीं भी टच होता है तो क्या था, उसका गेट ओपन हो जाता था। उसने क्या किया, जैसे ही वो कैट में क्या है उसको देख कर फिश को, तो वो क्या हुई, स्टिमुलेट हुई और स्टिमुलेट होने के बाद क्या करने लगती है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या करती है, बॉक्स में एक रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। काफ़ी टाइम तक वो क्या करती है, रैंडमली मूवमेंट करती है। तो वो कहीं ना कहीं उस लेवर से थोड़ा बहुत टकराती है, गेट थोड़ा ओपन होता है, फिर क्लोज हो जाता है। देन फिर ऐसे वो कंटिन्यू क्या करती है, रैंडमली फिर से ट्राई करती है। देन फिर मिस्टेक गलती होती है और वो ओपन होता है। और लास्ट टाइम एक बार क्या होता है, लास्ट टाइम में क्या हो जाता है कि उसका एग्जैक्ट उस लीवर पर पैर या हाथ पैर टकराता है और क्या हो जाता है, गेट ओपन हो जाता है और फिर क्या वो कैट क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और ईजिली वो क्या कर सकती है, अपनी फूड को खा पाती है। तो इस तरह से वो क्या करती है, बार बार ट्राई करती है और वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, गलत होती है। एक समय पर क्या होता है, लास्ट टाइम एक टाइम पर क्या हो जाती है, वो अच्छे से उस चीज़ को परफेक्टली कंप्लीट कर लेती। तो इससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हम किसी भी वर्क को क्या, जैसे कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स हैं बच्चों को हम सिखाते हैं तो वो मिस्टेक करते हैं, फिर हम उन्हें पनिशमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें बार बार प्रैक्टिस कराते हैं और क्या करते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये इसमें क्या है कि सिंपल सा इसमें क्या है कि लॉ किस पे दिया था, किस पे फोकस किया, कि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस पे। तो हम जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू किसी चीज़ को, तो हम क्या करते जाएंगे, उस चीज़ में बहुत अच्छे से बेटर से हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या है, ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट स्टेप का क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इन्होंने क्या, इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पर, एक डॉग पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो सिंपली क्या किया, तो जैसे एक डॉग था तो ये क्या करते हैं, एक रैंडमली क्या करते हैं, इनके पास डॉग था एक बैल थी, तो क्या करते हैं, रैंडमली बैल को बजाते हैं। तो जब बैल को बजाते हैं तो डॉग में कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती। देन क्या करते हैं, जैसे ये उसके सामने कोई भी फूड प्रेजेंट रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फील होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बैल मुझे फूड प्रोवाइड करने के लिए बजाया गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम फिर से अगेन वो क्या करते हैं, फिर से बैल बजाते हैं, तो जैसे ही जब बैल बजता है तो वो कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाता है और वो ब्रेन में कुछ ना एक्टिविटी होती है, वो वहाँ पर आता है और वो देखता है उसके पास फूड प्रेजेंट होता है। जब सेकंड टाइम बेल बजता है तो क्या करता है वो डॉग, क्या होता है, फूड के पास पहुंच जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं बेल मुझे इंडिकेट कर रहा है किसके लिए, फूड के लिए। तो थर्ड टाइम जब भी बेल बजता है तो उसको कहीं ना कहीं उधर जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ पर क्या लगता है, सलाइवेशन हो सकता है, क्योंकि उसे उसके माइंड में सेट हो गया है कि कहीं ना कहीं बेल का साउंड कहीं ना कहीं मेरे लिए फूड प्रेजेंट है, जब वहाँ पर फूड अवेलेबल है। देन तो जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो उसको फूड इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कोई बैल, अगर वो कहीं ना कहीं उस बैल के साउंड को अगर आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहता है, तो अगर कोई भी साउंड उसको बैल का सुनाई दे तो वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होने लगता है, सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसको एक माइंड में सेट हो जाता है कि बैल बज रहा, सिंपल सा कहीं ना कहीं क्या है कि मेरे लिए फूड अवेलेबल है। तो इस तरह से वो क्या होता है, कंडीशन क्या होता है आपका, क्लासिकल कंडीशन, मतलब एक कंडीशन रख के हम क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ को हम ईजिली हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये था क्या, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। नेक्स्ट है आपका ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल
कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें क्या था, ऑपरेट करना मतलब किसी ना किसी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या था कि कोई ना कोई स्टिमुलस प्रेजेंट था ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, देन उसके बाद वो कोई ना कोई रिएक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, एक चूहे को क्या किया, बहुत भूखा चूहा था या बहुत हंग्री चूहा था, उसको क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। और उसमें भी क्या, बॉक्स में क्या था, एक लीवर था। लीवर को ओपन होने से ही, लीवर पर जैसे ही कोई टच होता तो वो क्या होता, उसमें एक गेट था जो ओपन होता था। देन ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं फूड कंटेंट उसमें अंदर एंट्री करता था। तो क्या किया उसने, तो जैसे उस चूहे को उसके अंदर एंटर किया या उसमें रखा, तो वो क्या करता है, बहुत भूखा होता है तो उसमें क्या करता है, रैंडमली बहुत तेज़ी से क्या कहने लगता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जब वो जैसे ही वो मूवमेंट करता है रैंडमली, तो उसका सडनली क्या होता है, उसका पैर कहाँ पर, उस लीवर पर टच होता है और क्या होता है, गेट थोड़ा ओपन होता है और कुछ फूड कंटेंट क्या आ जाता है उसमें, बॉक्स के अंदर आ जाता है। तो वो क्या करता है, उसे खा लेता है। तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी से कुछ कंटेंट आ रहा है, तो फिर से वो ऐसे ही रैंडमली करता है। देन उसको फिर से लीवर पर टच होता है और फिर कंटेंट आता है। तो इस तरह से वो कंटिन्यू यही प्रोसेस बार बार करता है। तो एक टाइम पर उसको क्या होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आ लगता है कि ना, कि मैं इस जगह पर टच कर रहा हूँ तो ये लीवर, ये गेट ओपन हो रहा है, या इस एरिया में टच करने से क्या हो रहा है, गेट ओपन हो रहा है और मेरे लिए फूड कंटेंट एंट्री कर रहा है। तो वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट में, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक फिक्स हो जाता है कि अच्छा इस एक्टिविटी या ये एक्टिविटी करने से मेरे लिए फूड ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसको अगर फूक लगता है या भी उसको खाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उस लीवर पर टच करता है और उसके लिए फूड कंटेंट ईजिली उसके अंदर आ पाता है। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, एक ऑपरेट करने, मतलब वो कहीं ना कहीं ऑपरेट करना सीख जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि हम नॉर्मली हम बाइक चलाना सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंडीशन के होने कब ब्रेक कब क्लिच, तो इस तरह से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, सीख पाते हैं कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो रहता है आपका क्या, ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो इन्होंने क्या, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या, एक मंकी पर क्या, चिंपांजी पर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से क्या, एक प्रेजेंट के कंडीशन उसके सामने प्रेजेंट रख दी। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि एक मंकी को क्या किया, एक बॉक्स में या बहुत बड़े जाल में बंद कर दिया। देन उसमें क्या, ऊपर हैंग कर दिए थे बनाना, और वो क्या करते, उसके पास दो तीन बॉक्स रख दिए, कुछ स्टिक्स उसके पास रख दिया। तो वो क्या करता है, फर्स्टली जैसे ही वो बनाना को देखता है तो वो क्या, जंप करना स्टार्ट कर देता है। बट वो क्या है, वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो देन वहाँ पर वह जो बॉक्स है, तो वो क्या करता है, एक सिंपल अपना एक बॉक्स को रखता है और उस बॉक्स पे चढ़ के या उस पर से जंप करने की कोशिश करता है। लेकिन बट वो क्या है, उस कंडीशन में भी वो वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर देन जो भी उसका सेकंड बॉक्स है, उसको भी उस पर रखता है और उस दोनों बॉक्स पर चढ़ के और उन पर से जंप करने की कोशिश करता है। उस कंडीशन में वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो बनाना तक पहुंचने लगता है, और उस कंडीशन में इजीली वो बनाना का क्या करता है, मिल जाता है। और इसलिए उससे वो कहीं ना कहीं वो सीखता है कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने एक और टाइप से भी क्या किया था, इन्होंने एक और तरह से बताया कि एक मंकी था जिसमें क्या किया था कि उसको भी एक क्या कर दिया था, बॉक्स में बंद कर दिया था और बाहर क्या कुछ फूड कंटेंट रख दिया था, और उधर क्या रख दी थी, 2-3 स्टिक्स रख दिया था। तो देन मंकी क्या करता, उन बनाना के पास पहुँचने की कोशिश करता है हाथ से, लेकिन बट उसके क्या है, हाथ कहीं ना कहीं उस तक नहीं पहुँच पाते हैं। उस कंडीशन में क्या, बाहर जो स्टिक्स हैं, तो वो एक सिंगल स्टिक को लेता है, देन उससे क्या करता है, उनको अपने पास लाने की कोशिश करता है। बट कहीं ना कहीं वो क्या होता है, उनमें सफल या क्या होता है, सक्सेस नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं उसके पास एक और स्टिक होता है, तो एक स्टिक कैसा होता है, हॉलो होता है, तो वो क्या करता है, दोनों स्टिकों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुली उन दोनों को जोड़ पाता है और देन वो बनाना उसको अपने पास ला सकता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं वो कंडीशन को देख कर या सिचुएशन के अगर अपने अपने कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटी को यूज़ करके क्या कर सकता है, वो अपने प्रोसेसर को या जो भी प्रॉब्लम है उसे ईजिली सॉल्व कर सकता है और कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, हम थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया ईजिली हम सीख सकते हैं, ये हमें ईजिली सीखने में हेल्प करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या, थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कशन किया इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।